हेलो गाइस, सरफिरा मूवी एडवांस बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, क्या चल रही है इस मूवी की एडवांस बुकिंग, उसी पर बात करेंगे। कैसी है, क्या सेल्फी मिशन रानीगंज से ऊपर है या नहीं? क्या ये मूवी सेल्फी और मिशन रानीगंज का जो डे वन का रिकॉर्ड है तोड़ सकती है? क्योंकि हम बात ही वो करेंगे, क्योंकि अभी तक जो नंबर देखने को मिल रहे हैं वो भाई एकदम से आपको निराश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने मूवी देखी इनकी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ओपनिंग ठीक ठाक थी, ईद वाला दिन था तो वो अक्षय कुमार की ओपनिंग लग गई। मगर अब बात ये है कि ये एक रीमेक मूवी है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, या ना आपने भी देखी होगी। रीमेक मूवी बहुत ज़्यादा अक्षय कुमार बनाते हैं और यही कारण है उनका कि मूवी औंधे मुँह गिर रही है बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ दोस्तों, तो डे वन ये मूवी क्या मिशन रानीगंज और सेल्फी का रिकॉर्ड तोड़ सकती है? तो बात करेंगे इसी पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो दोस्तों, पहले हम बात करें डे वन एडवांस बुकिंग आज का, क्योंकि कल मूवी रिलीज़ तैयार है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक इस मूवी के जो 100 मिले हैं इसको, वो 4,500 ओपन हो चुके हैं अभी तक। रात के 10 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, जब अपलोड होगी आपके पास कब मिलेगा ये वीडियो, उसके हिसाब से आप देख लेना। मगर यहाँ पे जो एडवांस बुकिंग है वो ये है कि 52 लाख की इसने एडवांस बुकिंग कर ली है, यानी कि मिशन रानीगंज ने लगभग 60 से 65 लाख की एडवांस बुकिंग की थी, और सॉरी, ये सेल्फी मूवी ने 65 लाख और मिशन रानीगंज ने 87 लाख एडवांस बुकिंग की थी, तो उनसे भी पीछे है ये मूवी। जी हाँ दोस्तों, मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये मूवी भाई अक्षय कुमार के लिए बहुत चलना मतलब ज़रूरी है। तो दोस्तों, सरफिरा एक रीमेक मूवी है, रिव्यू जहां तक लीक हुए हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि इस मूवी के जो रिव्यू आ रहे हैं वो एकदम से ठीक ठाक हैं। तो ये कहना पड़ेगा कि हाँ, कल अगर रिव्यू बहुत पॉजिटिव आ गए तो ये मूवी 100% चल सकती है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये मूवी सेल्फी और मिशन रानीगंज से भी ऊपर जा सके, क्योंकि अभी से जो कलेक्शन है 52 लाख और 4,500 शो ओपन हुए हैं और लगभग 25,000 टिकट सोल्ड आउट हुए सब वर्जन मिला के, 2D जो भी है, 25,000 टिकट सोल्ड आउट और 4,500 शो ओपन हुए हैं और 52 लाख यानी कि 52 लाख की एडवांस बुकिंग इस मूवी ने कर ली है। तो अक्षय कुमार को बहुत चिंता की बात है कि ये मूवी अब ऐसे नंबर देखने को मिलेंगे उनको, ये उनको भी नहीं पता होगा। मगर जहाँ तक है, कल देखना होगा कि रिव्यू कैसे आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर कहीं पॉजिटिव रिव्यू आए तो ये मूवी चल सकती है, क्योंकि कंटेंट इस मूवी का जो है एक रीमेक है, और रीमेक जिसने अभी तक नहीं देखा है उसके लिए तो एकदम न्यू होगा, क्योंकि जिसने अगर मूवी देख ली है उसके लिए रीमेक है, अगर जिसने नहीं देखी है तो उसके लिए तो न्यू कॉन्टेंट है, क्योंकि उसके लिए न्यू है। तो मूवी देखते हैं क्या होता है, मगर यहाँ पे बहुत मुश्किल अक्षय कुमार, क्योंकि वही हाल जैसा सेल्फी और मिशन रानीगंज का था, ऐसा ही हाल इस मूवी के अंदर लग रहा है। ऐसे अगर एडवांस बुकिंग रही तो डे वन इस मूवी का कहीं ना कहीं जा सकता है 4 से 4.5 करोड़, अगर हद हो गई तो 5 करोड़। डे वन 5 करोड़ कमा सकती है यहाँ से एडवांस बुकिंग देखकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये मूवी के जो रिव्यू हैं वो ठीक ठाक है, जहाँ तक रिव्यू लीक हुए हैं ना, तो वहाँ से ये मूवी को नंबर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मूवी कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। तो अक्षय कुमार के फैंस के लिए बहुत ख़राब खबर है, यानी कि मुश्किल घड़ी है, कि अक्षय कुमार की कोई भी मूवी जो भी लेके आ रहे हैं वो चल ही नहीं रही है। यहाँ तक कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक बिगेस्ट आप कह सकते हो डायरेक्टर जिसने सलमान खान को डायरेक्ट किया, उस बंदे की मूवी फ्लॉप कर दी, तो भाई ये मूवी क्या है। तो देखते हैं क्या होता है, मगर डे वन 52 लाख एडवांस के साथ ये मूवी कहीं ना कहीं 4 से 5 करोड़ कमा सकती है आराम से। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।